गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की सुबह मैं सैर करने निकला हूँ और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे समंदर, और यह है पैटनम बीच जो साउथ गोवा का बहुत ही खूबसूरत बीच है और यहाँ की खूबसूरती बस देखने लायक है। देखिए आप पीछे देखेंगे तो सूर्योदय की स्थिति हो चुकी है, हालांकि आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कल मैंने चांद दिखाया था और आज की खूबसूरती थोड़ी अलग है। चलिए चले, ये आप देख रहे हैं पीछे फॉरेस्ट है बहुत खूबसूरत सा, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वह ऑब्वियसली कोकोनट ट्रीज हैं और भी कई, और पीछे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेस्टर्न घाट कि कुछ हिल्स आपको दिख रहे हैं। तो गोवा आने का मतलब यह है कि साउथ गोवा जब आते हैं तो साउथ गोवा में आपको माउंटेन भी दिख जाएगा, तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसके हिल्स भी यहाँ आपको दिख रहे हैं। और ये खूबसूरती, हाँ छोटे हिल्स हैं पश्चिमी घाट के, बहुत ऊंचे हिल्स यहाँ नहीं हैं। ऐसे वेस्टर्न घाट एक अवशिष्ट पर्वत है, फिर भी चोटियाँ दिख रही हैं। ये पूरा का पूरा बीच आप देख सकते हैं कंप्लीट। चलिए तो पानी का आना जाना लगा रहता है, और ये देखिए ये एकदम से अलग टाइप के बीच है क्योंकि यहाँ हट्स है और सी बीच हट्स यहाँ की खूबसूरती है। उसी खूबसूरती के लिए लोग यहाँ आते हैं ताकि आप 24 आवर्स ओशन के साथ रह सकें, समुद्र के साथ रह सकें। और यहाँ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि वो हिल्स के ही कुछ पार्ट्स हैं, कुछ रॉक्स हैं यहाँ पर, और पीछे देखिए ये मैक्सिमम फॉरनर लोग यहाँ रुकते हैं और सभी यहाँ वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इंडियंस भी हैं, हम लोग भी हैं यहाँ, जैसे मैं आ गया अपनी फैमिली के साथ। और देखिए एक व्यक्ति अभी सुबह सुबह स्नान भी कर रहा है समुंदर से, बाकी वो अकेला है बेचारा अभी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी लोग आ जाएंगे, 50-100 लोग तो नहाते दिख जाएंगे। देखिए लहरें कितनी ऊँची हैं, उन लहरों में खो गया है फिर भी वो दिख गया। ये लहरों का आनंद है, लहरों से डरने का नहीं होता। मैं भी सीख गया हूँ समुंदर में नहाना, बहुत ऊँची लहर जो पीछे आ रही मैं वहाँ तक मैं भी चला जाता हूँ। हाँ कैमरा वहाँ मैं नहीं लेके जा सकता, और मैं भी वहाँ डूब जाता हूँ फिर निकल जाता हूँ। जैसे ऊंची वेव्स आती हैं आपके पास, आपको थोड़ा सा जंप कर लेना है बस, ना आप गिरेंगे ना आप डूबेंगे, और वेव्स आपको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप एकदम नॉर्मली फिर वो पीछे रिटर्न होंगे। तो बड़ा आनंद है समुद्र में नहाने का, और इसका एक ट्रिक है, अगर ट्रिक आप जानते हैं तो अधिक गहराई तक आप जा सकते हैं। देखिए ऐसा मॉर्निंग वॉक रनिंग कर रहे हैं, और पीछे बहुत सारे लोग आपको रनिंग करते दिख रहे हैं, सब फॉरनर्स हैं। ये बीच ही फॉरनर बीच है। तो ये देखिए सूर्योदय, सूर्य ठीक ठाक ऊपर आ चुका है, और हम लोग का हर्ष भी बहुत खूबसूरत है। यहीं पर पीछे यहाँ सामने जो दिख रहा है वो हमारा हर्ट एरिया है, उसी हर्ष में हम लोग रुके हुए हैं। और ये देखिए, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ आकर सब कुछ एक सा लगता है, सच में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आपको कोई भी लोग, रंग कैसा भी हो, देश कैसा भी हो, वेश कैसा भी हो, आप अपनापन महसूस करते हैं। दुनिया एक ही है, इंसान एक ही है। यहाँ भी फैमिली वाले लोग आते हैं, और बहुत सारे फैमिली हैं फॉरनर जिन वैसे ही प्यार है, वैसे ही मोहब्बत है, वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, वैसे ही मोबाइल देखते रहते हैं। कई लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं और 1 घंटे मोबाइल देख रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता। वैसे ही यहाँ भी है, घर का गार्जियन जो पति है वो बोल रहा है, बाकी कोई लोग सुन ही नहीं रहा है तो बड़ा कमाल का है यहाँ भी। तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं, आप कहीं चले जाए दुनिया में, जीवन जीने में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। हाँ थोड़े बहुत तरीके बदलते हैं, लेकिन कहते हैं भावनाएँ एक ही होती हैं, प्यार मोहब्बत अपनापन सेक्रीफाइस, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना मैं सोच पाता हूँ। दूर से जो हम लोग समझ पाते हैं कि
वेस्टर्न कल्चर के लोगों की सोच अलग है, यह सोच अलग है, वो थोड़े आधुनिक ख्याल के हैं। और आधुनिकता का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लोग स्वतंत्र हैं, जितनी स्वतंत्रता वहाँ पुरुषों को प्राप्त है उतनी स्वतंत्रता वहाँ महिलाओं को भी प्राप्त है, यही उनकी ताकत है। वाह वाह क्या बात। चलिए हमारे पीछे की लहरों को देखिए, मैं भी यहाँ एकदम खूबसूरती का आनंद ले रहा हूँ। और कहते हैं कि जितना आप घूमते हैं उतना आप सीखते हैं। ये गोवा का मेरा तीसरा ट्रिप है और मेरे बेटे तेजस का सेकेंड ट्रिप है। तो और शायद मुझे कई बार जब मैं आया हूँ तो हर दो तीन वर्षों में तो एक बार गोवा आना ज़रूरी है रिफ्रेश होने के लिए। और ख़ास बात यह है कि गोवा में हर एरियाज एकदम अलग अलग है, आप जहाँ जाएंगे वहीं आपको अलग महसूस होगा। आप ये नहीं सोचिए कि गोवा का तट देख लिया, समुद्र देख लिया, बात ख़त्म हो गई। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ आप बहुत खूबसूरती से देखिए, फॉरनर लोग आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। जितने बीचेस को आप चेंज करेंगे उतने ही अलग अलग से समुद्र को देखने का मौका मिलेगा। वेस्टर्न घाट, फॉरेस्ट, सबके अलग अलग तरीके। और निस्संदेह सुबह का ये जो क्या आनंद है, और ठंडी ठंडी हवाएं। रात को हट में इतनी ठंड लग रही थी, एसी हट था लेकिन एसी बंद करना पड़ा, बंद कमरे में भी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और इतना खूबसूरत नज़ारा जो है इसका आनंद लेना लाजमी है भाई। अगर आप थोड़ा भी कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा अपने किसी के लिए घूमने के लिए भी ज़रूर खर्च करें। इससे देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा और आपको आनंद भी आएगा। और मेहनत करने का जो आनंद है ना, वह उसको अपने ऊपर खर्च करने में भी है, सुकून के साथ है कि नहीं। तो यहाँ सब कुछ आपके लिए है, हर प्रकृति की हर खूबसूरती आपके लिए है, इसका आनंद उठाइए। बेहतरीन तरीके से लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। आप सभी तनाव चिंताओं से मुक्त होकर जब यहाँ पर आते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर। आह देखिए क्या बात है, क्या बात है, क्या ऊँची लहरें है। ये सर्फ लहर है, सर्फ वेव है। और देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक देखो फॉरनर अंकल हैं और ये लोग यहाँ बड़े आराम से। देखिए आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत सा दृश्य, देखिए भाई साहब को देखिए बहुत खूबसूरत। तो यही ज़िंदगी है यार, क्या है ना, सच में कह रहे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो तो फिल्म थी। हम लोग रियल लाइफ में इस चीज़ को सोचे, एक बार मिलती है और मेहनत करने की मिलती है। खूब मेहनत कीजिए, ऑनेस्टली मेहनत कीजिए, बहुत ईमानदारी से कीजिए, कुछ हासिल कीजिए और ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा अपनी शर्तों पर भी जिए। अगर हम अपनी शर्तों पर नहीं जीते हैं तो पूरी लाइफ जो है मेहनत करते हुए ऐसे निकल जाती है, पता भी नहीं चलता कि हम सच में क्या करने आए थे, है कि नहीं। चलिए आपको दिखाता हूँ आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आपको दिखाता हूँ अपना हट, और यह हट इतना खूबसूरत है कि देखिए अब सुबह सुबह ज़िंदगी में रौनक। एक भी आपको डस्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, एक भी कचरा किसी ने नहीं डाला है, बहुत वेल मैनेज्ड। मतलब इवन लोग यहाँ बालू के ऊपर भी झाड़ू लगाते हैं, ये समझ दीजिए। जो यहाँ रेस्टोरेंट्स है हर से उसके सामने बालू के ऊपर भी झाड़ू लगाते हैं। दो डस्टबिन भी रखा हुआ है सेम ग्रीन और ब्लू, ताकि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग किया जा सके। आप कंप्लीट एक सोच के साथ, गोवा एक सोच है, गोवा एक खूबसूरती है। और इस सूर्य के साथ कोशिश करता हूँ मैं भी दिख जाऊँ चलिए तो ये आनंद आपको अपना हट दिखाता हूँ। ये सब वही जगह है जहाँ रात को हम बैठे रहे बहुत देर तक और आनंद लेते रहे।
घूमते रहे, समुद्र की लहरों की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आती रही। और देखिए सामने जो दिख रहा है ये हमारा हट है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। इसी तरह के हट अभी जब देखेंगे सब लगातार बने हुए, पीछे आपको दिख रहा होगा हट। और ये सब बाहर बैठने का, लेटने का, देख रहे हैं वो वेस्टर्न घाट का पार्ट दोनों तरफ से। ये इस बीच की खास बात ये है पैटनम बीच की कि दोनों तरफ से ब्लॉक है। उस तरफ से देख रहे हैं पहाड़ी है, तो कॉमन लोग, बाहर के लोग इधर आना जाना उनका ज़्यादा नहीं हो पाता, संभव ही नहीं है। ठीक उस तरफ भी आप जाएंगे तो उधर से भी आप देखिए धीरे धीरे मैं लेके जा रहा हूँ, उधर ही ब्लॉक है, ओसन का पार्ट, और देखिए पूरा ब्लॉक है। तो ये बीच इतना कवर्ड है लगभग अर्ध चंद्राकार शेप में, यहाँ बाहर के लोग आ ही नहीं सकते। जो लोग स्पेशली पैटनम आएंगे वही यहाँ पे पहुँचेंगे, इसीलिए शायद यहाँ पर वो गंदगी नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ रुकेंगे नहीं उनका लगाव भी नहीं होगा। ये देखिए हमारी वाइफ सुरुचि, हेलो मैडम कैसी हैं, लव यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी मैडम हट के सामने से आनंद ले रही हैं। और हाँ हेलो, ये देखिए हमारा ये रेस्टोरेंट है, अभी देर पूरा सज जाएगा, अभी ऐसे रखा हुआ है। इस रेस्टोरेंट की खास बात है यहाँ सी फ्रंट बीच रिजॉर्ट्स, तो रेस्टोरेंट इन बार है, रिजॉर्ट्स कहना गलत होगा, हट्स है, सी फ्रंट बीच इन हट्स। आप यहाँ जब भी आएँ गोवा तो यहाँ ज़रूर रुकें, यहाँ का आपका दो दिन ज़िंदगी बना देगी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से आप यहाँ लाइफ जी सकते हैं। और ये हट लीजिए, टू नाइट थ्री डेज, और आनंद में रहिए। चलिए हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, ये हमारे फॉरेन फ्रेंड्स हैं, चलिए मैं इनसे हेलो हाय करवाता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, प्लीज से गुड मॉर्निंग टू माय ऑल फ्रेंड्स। हे गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, हेलो बाय बाय, थैंक यू, लव यू। तो चलिए इसी के साथ आज का ये समाप्त करता हूँ, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी नए लोकेशन पे। अभी ये हम लोग सेकेंड लोकेशन पे हैं, और पीछे उस साइड देख रहे लहरें कैसे ऊपर आ रही हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।